हम लोग दोस्तों मैं करता हूँ, आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मलिक काजम व्लॉग। और जैसे कि आप देख रहे हैं जी, मैंने आज पानी छोड़ा हुआ इधर इधर हमने लिया था जी अपने जानवरों के लिए गंदम का भूसा, वो सामने पड़ा हुआ है। तो इसको दोबारा जनाब, जिसको हम सराकी में कहते हैं लिम्बन, हाँ, इसको दोबारा लेप करना है। तो इसलिए पानी छोड़ा हुआ इधर, सामने मोटर चल रही है और ये इसको बनाता रहा हूँ। और अब मैं थक गया बहुत ज़्यादा, तो आगे जा कर देखते हैं कि पानी पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो इधर से पानी निकल रहा है, ये मैं बंद कर लूँ, फिर बात करते हैं। अच्छा व्यूअर, चेक करें, पानी जा रहा है जी, मैं साथ आ गया इसके, और पीछे वाला मुझसे बंद नहीं हुआ, वो ऐसे ही आता रहेगा। ये देखें जी, ये भाई बड़ा मुश्किल काम है। मैं तो थोड़ा सा किया लेकिन थक गया हूँ अब, बड़ा मुश्किल काम है ये। अच्छा व्यूअर, पीछे से पानी लगता है ज़्यादा टूट गया, इधर देखें। अच्छा व्यूअर, पानी काफ़ी ज़्यादा टूट गया है, तो मुझसे वो इकट्ठा नहीं हो गया, उसको बंद नहीं कर सका, तो ऐसे ही आ रहा है जी, क्योंकि ये आपके सामने है सारा सीन, यहाँ से बंद करना बहुत मुश्किल है। चेक करें इधर, देखें जी व्यूअर कितना पानी टूटा हुआ। असल में ना काफ़ी ज़्यादा टूट गया था, इसलिए ये बंद हो भी नहीं सकता, ना ही इसको कर सकते हैं। तो कोशिश तो बड़ी की है बट हो नहीं आया मुझसे, तो इसलिए बस फिर। और अब ऐसे ही जाता रहे, जब आएंगे तो कहेंगे कि पूरा क्यारा फुल करा दिया आपने, मेरी गलती तो नहीं है इसमें। और व्यूअर पता क्या, जो बंदा नया नया होता है ना, जो नया नया बंदा ये काम करता है, उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, जैसे कि अब मेरे लिए। तो इधर देखें जी, ये पुराना बंदा खड़ा हुआ था वो सामने, तो इसका तरीका है, उसको कोई टेंशन है, लेकिन हमें बड़ी टेंशन है, हम तो थक गए हैं सही, पसीना पसीना हो गया आज जी। और पानी फुल हो गया है, तो मैं मोटर बंद करने जा रहा हूँ अब, तो इसको बंद करते हैं जी। और यहाँ का सीन देखें जी, यही तो गांव के मज़े हैं, ये देखें गर्मी में यहाँ नहाएंगे जी, गर्मी में जनाब यहाँ पे नहाने का बड़ा मज़ा होता है जी। हम बंद करते हैं इसके उधर से जी, बार मोटर कर दिया है अब बंद, तो पानी तकरीबन हो गया है। तो उसके बाद जी इसके ऊपर लेप करेंगे जी गारे का। वापस जा रहा हूँ जी मोटर बंद करके, इधर का सीन सामने सूरज देखें जी, कितना प्यारा व्यू है। गर्मी में एक फ़ायदा होता है इधर, वो फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे खुली खुली हवाएं होती हैं जी, शहरों की नस्बत। शहरों में जनाब एक तो हवा नहीं लगती, तंग गलियाँ होती हैं, तो इसलिए। लेकिन इधर माशाल्लाह ज़बरदस्त, अब भी ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई हैं, तो धूप महसूस ही नहीं हो रही, यही तो फ़ायदा है देहातों का जी। वार पानी वगैरह भरा के जी अब वापस आ गया हूँ, और पानी भरा हुआ है तो ख़ुद किसी को बोलेंगे या अबू को कहेंगे, तो वो उसके ऊपर लेप करेगा, क्योंकि हमें तो तरीका आता नहीं है, हमें पानी लगाने का तरीका नहीं आता। ज़िंदगी में पहली बार पानी लगाया, और पहली बार जनाब गए हैं पानी लगाने, तो इसलिए। और ये आज दूसरा दिन है जी, काम स्टार्ट करना था कमरों का, लेकिन सारा काम वायरिंग की वजह से रुका हुआ, क्योंकि अंडरग्राउंड वायरिंग होगी तो उसके बाद प्लस्तर होगा। तो कार्लोस ने कहा था मैं आऊँगा, इलेक्ट्रिशियन ने कहा था, बट कॉल नहीं आया। आज सुबह कॉल की है तो सुबह कॉल नहीं उठाई उसने, हम दोबारा कॉल करते हैं, उससे पूछते हैं हमें करके देता है या नहीं, ना किसी और को बोलेंगे, तो बस उम्मीद काफ़ी आज आ जाएगा।
2 दिन का काम है तकरीबन वायरिंग का अंडरग्राउंड, तो वो हो जाएगा तो फिर प्लस्तर सारा काम बाद में होगा, फिर एक काम की वजह से सारा काम रुका हुआ है।